हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप बेबी ब्राइन श्रिम्प आर्टेमिया किस तरीके से हैच कर सकते हो, जो एक बेस्ट फीड होता है आपके बेबी फिशेस को फीड करने के लिए। उसे जैसे आपको पता होगा लाइव फीड करना है तो उसे आपको हैच करना रहता है, तो वो किस तरीके से हैच करना है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। आप ये जो मैंने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने 2.5 लीटर्स का एक बॉटल लिया है कोल्ड ड्रिंक का। वो बॉटल को ऊपर से मैंने कट कर दिया है, ठीक है। अभी आपको इसमें मतलब जो चीज़ ऐड करनी है वो सिर्फ सॉल्ट है, सॉल्ट के अलावा आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ तो 1 लीटर वाटर में आप 25 ग्राम्स रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हो। रॉक सॉल्ट यूज़ करना है आपको, ठीक है। ये बॉटल में मैं 2 लीटर वाटर फिल करूँगा, तो मैंने 3 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है, जो लगभग 50 ग्राम्स के आसपास हो जाता है। इसमें ऐड करके बस वाटर फिल करना है, और इसके अलावा आपको इसमें कोई चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ जैसे जिससे आपको हैच रेट अच्छा मिले या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस वाटर एंड सॉल्ट ऐड करना है, और वाटर में आपको सॉल्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इससे पहले कि आप उसमें ब्राइन श्रिम्प एग्स ऐड करें, उससे पहले ही आपको वो सॉल्ट पूरी तरीके से उसमें मिक्स कर लेना होता है। मिक्स करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, आप चाहे तो उसे स्पून से हिला के भी मिक्स कर सकते हो, बट ये एक बेटर ऑप्शन है। आप उसमें एरेशन डाल के रख दीजिए कुछ देर के लिए, वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि वो पूरा मिक्स हो चुका है, अभी हम इसमें ब्राइन श्रिम्प एग्स ऐड करेंगे। ये OSI का येलो रिंग है जो मैंने लूज़ में लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने लूज़ में ही मैं ये लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। आपको बस ये उस बॉटल में ऐड कर देना है, और उसको अच्छे तरीके से डालने के बाद आप मिक्स कर दीजिए। और एक चीज़ आपको बता दूँ गाइस कि इसमें ऐसा है कि आपको लाइट रखना होगा या सनलाइट देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट लाइट वो हैच हो जाता है, और अच्छा खासा क्वांटिटी ही हैच होता है। आपको लाइट रखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये मैंने उसमें डाल के देखिए, मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ये जो वाटर का जो मूवमेंट है ये पूरा सर्कुलेशन उसमें अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो ठीक तरीके से हैच होता है। अभी मैं आपको 24 आवर्स के बाद का रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा ब्राउनिश टाइप हो गया है, ये 24 आवर्स इसे हो चुके हैं, और काफ़ी सारी क्वांटिटी में ये हैच भी हो गया है। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। और अभी जब आपको इसे निकालना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसमें पूरा एग शेल भी रहता है, आप एग शेल तो फीड नहीं कर सकते हो अपने बेबी फिशेस को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये किस तरीके से दिखते हैं जब हैच हो जाते हैं। देखिए उसका कलर ऐसा ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। ये मैंने लाइट बाजू में इसीलिए रखा है, आप जब लाइट रखते हो आर्टेमियास जो है ये लाइट के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे आपको उन्हें निकालने में काफ़ी मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि वो सारे एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो। कुछ देर आपको ऐसा रख देना है, ठीक है। देखिए कुछ देर के बाद जो एग शेल है वो सारे सेटल हो गए हैं, आप देख सकते हो आर्टेमिया जो है ये अच्छे तरीके से हैच हो गए, सारे अभी भी हैच नहीं हुए हैं। इसीलिए मैं थोड़ा और टाइम वेट करता हूँ, यूजुअली मैं 36 आवर्स वेट कर लेता हूँ। अगर मेरे पास नहीं होगा उन्हें फीड करने के लिए तो मैं 24 आवर्स में भी फीड कर देता हूँ, बट यूजुअली 36 आवर्स में वेट करता हूँ, सो दैट वो पूरी तरीके से तब तक हैच हो जाते हैं। आप देख सकते हैं गाइज इनकी क्वांटिटी, जब हमने लिया था बहुत थोड़ा लिया था, बट हैच होने के बाद इनकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा लग रही है, और ये जिस तरफ लाइट है उस तरफ पूरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरे उस तरफ डाइवर्ट हो चुके हैं। इसे थोड़ा और टाइम रखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये निकालना किस तरीके से, क्योंकि निकालना भी एक चैलेंज हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। देखिए गाइस 36 आवर्स के बाद का ये वीडियो है, और इसमें आप देख सकते हैं उसका कलर और डार्क हो चुका है। अभी मैं आपको इस पर टॉर्च रख के दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से हैच हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितना हैच होना था हो गया है, 80% के करीब हैच रेट इसमें मिला होगा आराम से। टॉर्च रख के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कितना ऑरेंज दिख रहा था, और अभी आप देखिए अभी पूरा वाटर ऑरेंज दिख रहा है, पहले फिर भी थोड़ा लाइट दिख रहा था, अभी देखिए काफ़ी डार्क ऑरेंज ये दिख रहा है, क्योंकि ये सारे अभी हैच हो चुके हैं।
सो देखिए, ये कुछ देर मैंने ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया था ताकि मैं उसे अच्छे तरीके से रिमूव कर सकूं। अब ये टॉर्च की तरफ सब अट्रैक्ट हो गए। आपने स्टार्ट में देखा होगा ऊपर की तरफ पूरा खाली था, क्योंकि मैंने फ़ोन को जब ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखा है तो सारे जाके टॉर्च की तरफ अट्रैक्ट हो गए और ऊपर से पूरा खाली है। अब मुझे इसे निकालने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसा निकालना है। मेरे पास RTM या निकालने का कोई नेट नहीं है। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप बेसिक ये चीज़ यूज़ कीजिए कि एरेशन जो पाइप होता है आप वाला पाइप ले लीजिए, ठीक है, और जितना आपको फीड करना है उस क्वांटिटी में इसमें से आप निकाल सकते हो। सो देखिए, ये एक कंटेनर मैंने ले लिया है जिसमें मुझे उसे निकालना है, ठीक है। अभी जहाँ पर सारे मतलब जमा हो गए हैं वहाँ से हमें पाइप रख के निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो गाइस, आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उतना निकाल लीजिए। उसके बाद आपको एरेशन उसमें वापस डाल देना है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एरेशन निकाल दिया था, क्योंकि वाटर मूवमेंट जब रुकेगा तब जाके वो एक जगह पर जमा हो पाएंगे सारे। तो ये मैंने छोटे से कंटेनर में निकाल लिया है। बस बहुत इजी प्रोसेस था और कुछ नहीं करना है आपको। बस वाटर में सॉल्ट ऐड करके उसमें एरेशन डाल के आप आर्टिमिया एग्स ऐड कर दीजिए और वो हैच हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको फिश को फीड करके भी दिखा देता हूँ। स्टार्ट में आपने देखा होगा बट अभी आप अच्छे तरीके से देख पाओगे फिशेस को इसे खाते हुए भी। सो बस यही डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी फिश कीपिंग।